हरी भरी वादियाँ। खूबसूरत मौसम। और घोड़े पर सवार जोधा और अकबर। देख रहे हैं क्या बादशाह और बेगम में सुलह हो गई? क्या दुश्मनी का रिश्ता भुलाकर दोनों बन गए हैं दोस्त और निकल पड़े हैं सैर पर? तस्वीरें भले ही ये कहानी बयां कर रही हो, लेकिन जनाब असलियत तो कुछ और ही है। कई दिनों से अपना गुस्सा मन में दबाए जोधा आज निकल पड़ी थी अपनी जान देने, लेकिन ऐन वक्त पर बादशाह अकबर ने आकर बचा ली उनकी जान। क्यों जोधा, सही कहा ना हमने? बिल्कुल, वो इतने दिनों से अपना गुस्सा दबा दबा के हम भी थक गए। हमने सोचा एक बार में आज पूरी तरह से गुस्सा बाहर निकाल ही लें। लेकिन जनाब घुड़सवारी करना बेगम साहिबा के लिए बिल्कुल आसान नहीं था। एक तो बार बार घोड़े पर चढ़ना उतरना और उस पर उनकी मुश्किल बढ़ा रहा था उनका ये घाघरा। जितने भी स्टंट एक एक्ट्रेस मार सकती है वो मैंने सारे स्टंट्स लिए। पहाड़ से कूदना, नदी में तैरना, हॉर्स राइडिंग करना, ट्रैकिंग करना, तो आज बहुत ही तूफानी शूट हुआ है। शूट तो वाकई काफी तूफानी हुआ है जोधा, लेकिन जरा अपने मन के अंदर चल रहे तूफान के बारे में भी तो कुछ बताइए। क्या हुआ है ऐसा जो आपने जान देने की सोची? बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ घटा है इतने दिनों से, तो आज कहीं ना कहीं जोधा ने ठान लिए कि अब तो बहुत हो गया है, अब अकबर तक अपनी बात पहुँचाने के लिए कुछ बड़े कदम उठाने पड़ेंगे, तो इसलिए आज कुछ ज्यादा ही बड़े बड़े कदम उठाए हमने। जी हाँ, महाबंका के भड़काने के बाद से जोधा और अकबर में दूरियां पहले ही काफी बढ़ चुकी हैं, और उस पर जोधा का ये जानलेवा कदम। अब ऐसे में आगे क्या होगा जोधा और अकबर की कहानी में देखना वाकई दिलचस्प होगा।